टू माई व्लॉगिंग सेटअप, मैं यूज करती हूँ ये पूरा सेटअप। बैक टू ट्रैवल टबी, आई एम जागृति एंड हम लोगों ने अपने 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। एक और रीज़न कि मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई जस्ट सॉ समथिंग सो ब्यूटिफुल। रुको मैं दिखाती हूँ। ओके, तो हम लोग एक्चुअल में रेडी हो रहे थे बाहर जाने के लिए एंड आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल माई इक्विपमेंट्स। ये उठा लोगे सारा? क्या करूँ, तेरे पीछे कर्मचारी है। तो चलो बाहर चलते हैं, आज मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तुम्हें लगता होगा कि मैं जब देहरादून दिखाती हूँ मौसम इतना अच्छा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे गर्मी भी होती है। तो चलो, ओके, सो द प्लान इज कि हम लोग अभी एक रिवर साइड जा रहे हैं। बहुत रैंडम प्लान था, तो हम में से किसी ने खाना नहीं खाया है एंड मम्मी बाहर सामान लेने गई है थोड़ा सा खाने पीने का, तो वहाँ जाके देखते हैं। आई होप नदी होगी अभी बिकॉज वो बारिशों की नदी है, तो बारिशें हो रही हैं तो होनी तो चाहिए, बट अगर नहीं होती तो भी देखते हैं कैसा है। नदी यहाँ पे रुके थे और ये यहाँ से व्यू इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, एकदम बारिश के बाद पूरे बादल बादल आ गए हैं यहाँ पे। यहीं से बिल्कुल नीचे की एक रिवर है। इंट्रोड्यूसिंग यू टू माई व्लॉगिंग सेटअप, मैं यूज़ करती हूँ ये पूरा सेटअप, ठीक है। सो इसमें है एक हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड स्टैंड विच यू कैन गेट फॉर 500-600 रुपीज, ठीक है। देन आई यूज माई फोन कैमरा। सारी अभी तक की जितनी व्लॉगिंग मैं करती हूँ मैं अपने फ़ोन के कैमरा से करती हूँ। आई एम यूजिंग आईफोन एक्सेस, अभी ये शूट हो रहा है 12 मिनट पे। With that, I also just very newly ordered this mic. ये रोड का माइक है। इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन, इसका जितना भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगी। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस कनेक्टर विद आईफोन, ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कुछ और इक्विपमेंट्स हैं विच आई यूज़, जो बेसिकली सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए है या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है। तो एंड अभी हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे रही हो बिकॉज माइक इस पर लगा हुआ है। So we'll go back vlogging from this point. Okay, दूसरी चीज जो मैं vlogging के लिए use करती हूँ is this gimbal. So ये मैं use करती हूँ cinematic shots लेने के लिए, या इसका basic काम खाली इतना है कि आपको stability दे। अब जैसे कि मैं car में कोई चीज़ shoot कर रही हूँ तो अगर मैं इसके मदद से शूट करूंगी तो बिल्कुल स्टेबल वीडियो आएगी, वरना जो झटके हैं जो जर्क्स हैं वो फील होंगे, इसके साथ आपको वो जर्क्स फील नहीं होंगे। लेट मी शो यू सम शॉट्स जो अब हम गिम्बल से शूट करने वाले हैं। चलो, और ठीक है हम थोड़ा ऐसे करते हैं, ठीक है, और मैं भाग, ठीक है। जो लास्ट चीज़ है, नहीं सेकंड लास्ट चीज़ है जो मैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ये मैंने बहुत रिसेंटली खरीदा है। दिस इज़ बेसिकली अ ट्राइपॉड स्टैंड बट इट कुड ऑल्सो बी यूज एज अ मोनोपॉड, ठीक है। एंड आई गॉट दिस ताकि मैं फेक ड्रोन शॉट्स ले सकूँ। इसके लिए एक और इक्विपमेंट यूज़ होता है एक्चुअल में, विच इज़ एक्सपेंसिव। दिस इज़ फॉर 1,000 रुपीज़ एंड हम लोग इससे सेम काम कर सकते हैं। तो मेरे को अब आपको एक फेक ड्रोन शॉट लेके दिखाने दो कि वो कैसा दिखता है। ओके, सो इस पे दो आपके लेवल्स हैं, तो इसकी हाइट इतनी गेन हो जाती है कि आप इससे इजीली एक फेक ड्रोन शॉट ले सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज कि ये काफ़ी लाइट वेट है, सो ट्रैवलिंग के टाइम पे इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसका एग्जैक्ट वेट देख के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी आपको।
एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट इसकी. अब हम इस पर फोन अटैच करेंगे और हम इजीली इससे एक फेक ड्रोन शॉट ले सकते हैं. साइड अभी आई विल सी कि इसमें आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नदी के पीछे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है. एंड हाउ इट इज़ साउंडिंग विदाउट द माइक. इससे पहले माइक लगा हुआ था, तो माइक के साथ और माइक के बिना आप आवाज़ में डिफरेंस चेक कर सकते हो अपने आप. ओके, द लास्ट थिंग दैट आई हैव इन माई ब्लॉगिंग किट इज दिस लेंस. दिस इज़ अ वाइड एंगल लेंस. इसमें एक माइक्रो लेंस भी है और एक वाइड एंगल लेंस भी है. तो आई विल जस्ट शो यू अ शॉट विद द लेंस एंड विदाउट द लेंस. Okay, so मेरे पापा थोड़े से दुखी जैसे हो गए. नहीं, हमें इसे बोर कर दिया है. दुखी नहीं है, हमें बोर कर दिया. शॉट ले लेके हाँ, मतलब घर वाले थोड़े बोर से हो गए क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी. तो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने व्लॉगिंग के लिए यूज़ की है. और ये पूरी जगह देहरादून में है. मैं आपको और भी बहुत बढ़िया बड़ी जगहें घुमाती रहूँगी देहरादून में. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो.